कोर्ट का आदेश ये है कि जेडीए डॉक्टर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 43/46/2023 में इसका सख्त उल्लंघन था, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था, ये एक ऑर्डर ही था हॉनरेबल जस्टिस श्री रवि मलिमत साहब का, चीफ जस्टिस साहब का, जहां पे उन्होंने किसी भी छोटी प्रकार टोकन भी स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स जो है एसेंशियल में सर्विसेज में आते हैं, और ये एसेंशियल सर्विसेज अगर हमारे मध्य प्रदेश की अगर ठप हो जाएगी, डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक में जाएंगे तो मरीजों का बुरा हाल हो जाएगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच एक PIL फाइल होती है और जबलपुर हाईकोर्ट से आज सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स की स्ट्राइक को खत्म कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक पांडे जी हैं। इस याचिका में आपने क्या कहा और कोर्ट का क्या आदेश है? कोर्ट का आदेश ये है कि जेडीए डॉक्टर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 43/46/2023 में इसका सख्त उल्लंघन था, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि स्ट्राइक किसी भी स्ट्राइक कैसे भी तरीके की स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, चाहे वो टोकन स्ट्राइक हो। इसका अवहेलना करते हुए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कलकत्ता में जो कांड हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्राइक की मांग करी थी, जो इस आदेश का उल्लंघन था। इसलिए अंशुल तिवारी जी के माध्यम से अंशुल तिवारी जी ने ये पिटीशन लगाया था जी। और कोर्ट ने आज क्या किस तरह से सुनवाई की? IMA को भी पार्टी बनाया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हमने एक एप्लीकेशन लगाए जिसमें IMA और जूनियर जो डॉक्टर एसोसिएशन मध्य प्रदेश को भी इम्प्लीट किया पार्टी में, तो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस तामिल करे जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, और नोटिस तामिल होगी और 20 तारीख को वे भी अपनी मांग माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। कोर्ट ने आज कई टिप्पणियां भी कही और ये कहा कि हड़ताल का ये तरीका कतई ठीक नहीं है और आइंदा भी हड़ताल नहीं करेंगे। हाँ, ये एक ऑर्डर ही था हॉनरेबल जस्टिस श्री रवि मलिमत साहब का, चीफ जस्टिस साहब का, जहां पे उन्होंने किसी भी छोटी प्रकार टोकन भी स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स जो है एसेंशियल में सर्विसेज में आते हैं, और ये एसेंशियल सर्विसेज अगर हमारे मध्य प्रदेश की अगर ठप हो जाएगी, डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक में जाएंगे तो मरीजों का बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए सभी को नोटिस देते हुए अपनी मांग हमारे समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखने के लिए बोला गया। ठीक है, तो हड़ताल खत्म हो गई है और अब काम? हाँ, हड़ताल खत्म हो गई है, आज सभी डॉक्टर्स अपने काम में लौटेंगे और 20 तारीख को अपने वकीलों के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीयर होकर अपनी मांगों को रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर मरीजों के लिए, एक राहत की खबर हाईकोर्ट से आई है। हाईकोर्ट ने हड़ताल के तरीके को गलत बताया और उसके बाद ये डायरेक्शन दिए कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन सहित तमाम जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उन्हें हड़ताल तत्काल वापस लेनी होगी। उस निर्देश पर हड़ताल वापस हो गई है और अब हाईकोर्ट डॉक्टर्स की तमाम समस्याओं पर तफसील से सुनवाई करेगा और 20 अगस्त इस सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने मुकर्रर की है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।